दोस्तों, वीडियो के शुरू में जो आपने जबरदस्त सा इंट्रो देखा, आज की वीडियो में मैं आपको बिल्कुल ऐसा ही इंट्रो बनाना सिखाऊंगा। इसको बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए आपने सबसे पहले काइनमास्टर ऐप को ओपन करना है। ऐप को ओपन करने के बाद आपने क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक करना है। 16.9 के ऊपर रख के आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने कॉर्नर में इमेज पे आना है। इमेज के ऊपर आने के बाद आपने ब्लैक इमेज को इधर से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने क्रॉस के ऊपर क्लिक कर देना है। क्रॉस के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने ब्लैक इमेज की लेंथ को बढ़ा देना है, कुछ इस तरह से 9 के करीब आपने लेंथ को ले आना है। इस तरह से बढ़ा के आपने 9 के करीब इसकी लेंथ को ले आना है। उसके बाद आपने इसको ओके कर देना। ओके करने के बाद अभी आपने इधर अपने चैनल का लोगो ऐड करना है। चैनल का लोगो ऐड करने के लिए आपने लेयर पे आना है। लेयर पे आने के बाद आपने मीडिया पे आना है। मीडिया पे आने के बाद आपके मोबाइल की गैलरी ओपन हो जाएगी। जिधर भी आपका लोगो पड़ा हो आपने उसको इधर ला के उसका साइज़ थोड़ा सा इस तरह से छोटा कर लेना है। साइज़ छोटा करने के बाद आपने इसको कर देना है ओके। ओके करने के बाद लोगो की भी लेंथ को आपने बढ़ा के ब्लैक इमेज के बराबर आपने इस तरह से लेंथ कर देनी है। उसके बाद आपने इसको भी कर देना ओके। ओके करने के बाद अभी मैं इधर एक टैंपलेट ऐड करने लगा हूँ। ये जो मैं टैंपलेट ऐड करने लगा हूँ, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उधर से जाके इसको बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। एक बात और, ये जो मैं टैंपलेट ऐड करने लगा हूँ ये बिल्कुल फ्री का है। इसके ऊपर कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगा, कोई क्लेम नहीं आएगा, तो आप बेफिक्र होकर इसको अपनी वीडियो में यूज़ कर सकते हैं। टैंपलेट ऐड करने के लिए आपने लेयर पे आना। लेयर पे आने के बाद आपने मीडिया पे आना। मीडिया पे आने के बाद आपके मोबाइल की गैलरी ओपन हो जाएगी। जिधर भी आपका टैंपलेट पड़ा हो वो इधर आ जाएगा। तो इसको इधर लाने के बाद आपने स्प्लिट स्क्रीन के ऊपर क्लिक करना है और सेंटर वाली ऑप्शन के ऊपर आपने इस तरह से क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने इसको भी कर देना है ओके। ओके करने के बाद ये देखें, हमारी जो टेम्पलेट है उसका साइज़ थोड़ा छोटा है, लोगो का और ब्लैक इमेज का साइज़ बड़ा है। तो आपने सबसे पहले इन तीनों चीज़ों को इस तरह से बराबर कर लेना है। लोगो के ऊपर क्लिक करके पहले लोगो को थोड़ा छोटा करना है, उसके बाद आपने ब्लैक इमेज के ऊपर क्लिक करके उसको थोड़ा सा इस तरह से छोटा कर लेना है। ये देखें, अभी हमारी तीनों चीज़ें इस तरह से बराबर हो गई। तो अभी आपने क्या करना है, ये जो ग्रीन एरिया आपको टेम्पलेट के अंदर नज़र आ रहा है, सबसे पहले आपने इसको रिमूव करना है। इसको आपने किस तरह रिमूव करना है, आपने टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करना है। टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको इधर एक ऑप्शन मिलेगी, ये नीचे इधर क्रोमा की तो आपने क्रोमा की के ऊपर आना है। उसके बाद आपने इसको इनेबल कर देना है। ये देखिए, हमारा ग्रीन एरिया रिमूव हो गया, लोगो हमारा दिखना शुरू हो गया। तो आपने इसको इधर से करना है ओके। ओके करने के बाद हमारा लोगो जो है वो बराबर फिट नहीं हो रहा, तो आपने क्या करना है, लोगो के ऊपर क्लिक करना है। लोगो के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने इस तरह से लोगो को बराबर इसके अंदर इस तरह से फिट कर देना है। उसके बाद आपने इसको कर देना है ओके। ओके करने के बाद आपने ये जो आपको रेड कलर का प्ले हेड नज़र आ रहा है उसको इधर लेके आना है, तकरीबन इधर, ठीक है, 7.245 पे आपने इसको ला के इधर आपने अपने चैनल का नेम ऐड करना है। चैनल का नेम ऐड करने के लिए आपने लेयर पे आना है। लेयर पे आने के बाद आपने टेक्स्ट पे आना है। टेक्स्ट पे आने के बाद आपने अपने चैनल का नेम टाइप कर लेना है। जो भी आपके चैनल का नेम हो वो आपने इधर टाइप कर लेना है। जैसे अभी मेरे चैनल का नेम ये है, तो मैं अपने चैनल का नेम टाइप कर लेता हूँ, सियाल कोटी, ठीक है। ये देखिए, मैंने अपने चैनल का नेम टाइप कर लिया। उसके बाद आपने इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद अभी आपने इसके अंदर फॉन्ट जो है वो ऐड करना है। फॉन्ट आपने किस तरह ऐड करना है, उसके लिए आपने डबल ए पे आना है। डबल ए पे आने के बाद आज जो हम फॉन्ट यूज़ कर रहे हैं वो आपको मिलेगा सैंस सेरिफ में, और इस फॉन्ट का नाम है ओसवर्ल्ड बोल्ड, ठीक है। अगर आपके ये काइनमास्टर में ये हो तो ठीक है, नहीं तो आप इसको इधर से भी डाउनलोड स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद इसका आपने इस तरह से नीचे थोड़ा ले आना है, इस तरह से। ये देखिए, हमारा जो चैनल का नेम हमने ऐड किया वो नज़र नहीं आ रहा, तो आपने क्या करना है, इसका कलर चेंज करना है। कलर आपने किस तरह चेंज करना है, इसके ऊपर क्लिक करके रेड कलर आपने सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि वाइट कलर के ऊपर रेड कलर जो है वो सही दिखेगा। तो आपने इसको ओके कर देना। ओके करने के बाद ये देखें, ये हमारा चैनल का नेम बराबर नज़र आ रहा है। उसके बाद आपने इसको लास्ट पे लेके आना है, और इधर से इसका साइज़ भी आपने बिल्कुल बराबर कर देना है बाकी चीज़ों के, लोगों के बराबर और टेम्पलेट के बराबर। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर एक एनिमेशन ऐड करना है। एनिमेशन ऐड करने के लिए आपने टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने इन एनिमेशन के ऊपर क्लिक करना है, और इधर से आपने फेड एनिमेशन को सिलेक्ट कर लेना है, और इसकी स्पीड को आपने कर देना है 1 के ऊपर सेट, ठीक है, इस तरह से।
तकरीबन हमारा इंट्रो जो है वो रेडी हो गया, बस एक चीज़ इसमें बाकी है। उसके लिए आपने इधर साइड पे सेटिंग वाले निशान के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद आपने वीडियो के ऊपर क्लिक करना है। वीडियो के ऊपर क्लिक करने के बाद इधर आपने वीडियो फेड आउट को ऑन करना है। इसको ऑन करने के बाद आपने इसकी स्पीड को इस तरह से 1 के ऊपर सेट कर देना है। उसके बाद आपने क्रॉस के ऊपर क्लिक कर देना है। क्रॉस के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करना है। टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने इसका वॉल्यूम जो है वो फुल इस तरह से कर देना है। अभी हमारा ज़बरदस्त सा इंट्रो रेडी हो गया, मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, हमारा ज़बरदस्त सा टेम्पलेट इंट्रो जो है चैनल इंट्रो रेडी हो गया। इसको आपने सेव किस तरह करना है, सेव करने के लिए आपने एरो के ऊपर क्लिक करना है। एरो के ऊपर क्लिक करने के बाद इधर आप जिस मर्जी रेजोल्यूशन में इसको सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको 1080p में सेव करूँगा। सेव करने के लिए आपने सेव एज वीडियो के ऊपर क्लिक करना है और ये आपके मोबाइल की गैलरी में सेव होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो मज़ीद ऐसी अच्छी अच्छी और नई नई चीज़ें सीखने के लिए, नई नई वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआओं में याद रखें, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।